हाथ का हुनर इंसान के लिए पंख का काम करती है। यह जिसने भी हासिल किया वह पहचान का मोहताज नहीं रहता। जी हाँ, अपने इशारों पर सिलाई मशीन को नचाती हुई हाथों से बेजान लकीरों में रंग भरती यह लड़कियाँ कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह दृश्य मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत जरेल गांव का है, जहां हाल में जीर्णोद्धार किए गए प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र में दर्जनों लड़कियां खुद को हुनरमंद बनाने में लगी हुई हैं, जिसमें ना सिर्फ लड़कियां बल्कि शादीशुदा महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। यह सब हो पा रहा है बेनीपट्टी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 की जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा के प्रयासों के कारण। आधी आबादी के लिए प्रियंका चौधरी झा ने ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ ना सिर्फ लोगों की जुबान से सुनने के लिए मिल रहा है, बल्कि इस प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र में नामांकित व प्रशिक्षण ले रही लड़कियां व महिलाओं की बढ़ती संख्या बता रही है कि इनके प्रयासों से सभी कितने खुश व लाभान्वित हो रहे हैं। यह प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा के प्रयासों से समाज सेवी रणधीर झा के संयोजन में चलाया जा रहा है। इस बाबत जानकारी देते हुए रणधीर झा ने बताया कि पूर्व में यह भवन प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र ही हुआ करता था, लेकिन विगत वर्षों में यह काफी जर्जर हो गया था और लोगों के लिए उपयोगी नहीं था, जिसे हाल में ही जीर्णोद्धार कर यहाँ की बच्चियों व महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में मुहिम के तौर पर काम किया जा रहा है। आगे इस प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए रणधीर झा ने बताया कि महज एक महीने में ही यहाँ 48 लड़कियां व महिलाएं अपना नामांकन करवा चुकी हैं, जो कि आसपास के विभिन्न गांवों से आती हैं। इनमें मिथिला पेंटिंग की 22 व सिलाई कटाई में 26 लोग हैं। इन सभी के लिए बाकायदा हुनरमंद प्रशिक्षित ट्रेनर हैं, जो रोज यहाँ आकर शिफ्ट वाइज सभी को प्रशिक्षण देती हैं। मिथिला पेंटिंग व सिलाई कटाई दोनों में दो दो शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें सिलाई कटाई में ट्रेनर मीरा देवी हैं, जबकि मिथिला पेंटिंग की ट्रेनर अंजलि पाठक हैं। आगे की योजना को लेकर रणधीर झा बताते हैं कि जब जरेल गांव में प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई तो शुरुआत में इस तरह का अनुमान नहीं था कि प्रशिक्षण लेने के लिए इतनी भीड़ पहले ही महीने में जुट जाएगी, लेकिन यह संख्या बता रही है कि ना सिर्फ जरेल गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी जितना संभव हो सके प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र की जरूरत है। लड़कियां खुद आगे आ रही हैं, यहां प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। स्थिति ऐसी है कि जरेल गांव में प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र में सभी सीट फुल हो चुकी हैं। ऐसे में इसको लेकर आगे विस्तार करने की योजना भी बनाई जा रही है।